तो भाई देख ले, ये वॉच है। वॉच में मैं बेल्ट लगा रहा हूँ। बेल्ट लगा के आपको दिखाता हूँ बेल्ट कैसे लगता है। अगर आपका खुल जाए बेल्ट तो ऐसे आप लगा सकते हो। जैसे ये बक्कल वाला है, ये बक्कल वाला 12 पे रख सकते हो। इसको 12 पे रखना है। ये साइड बार अगर गिर गया, खुल गया, तो आप ऐसे इसको 12 पे रख के बस पुश करना है। ये बेल्ट लग गया। बस हल्का सा पुश करना है, बेल्ट लग जाएगा। देख सकते हैं ये साइड बार छोटा है, साइड बार छोटा है, ये साइड बार छोटा था। वो लगेगा नहीं, बड़ा साइड बार लाया हूँ। 22 mm का जो लगेगा इसमें। तो ये जो है बेल्ट बक्कल जो है 12 पे, ये 6 पे रहेगा। 6 देख सकते हैं आप। ये इसको 6 पे रखना है। बस इसको हल्का सा पुश कर देना है। ये बेल्ट लग के तैयार हो गया। देख सकते हैं ये बेल्ट लग के तैयार हो गया। इसको पहन सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। दिखाता हूँ मैं आपको, ये तैयार हो गया। और एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, दूसरा जो आपको कभी भी काम आ सकता है। यह है अपना स्टील, स्टील चेन है। स्टील चेन में आप देख सकते हैं कि चेन काफ़ी बड़ा हो जाता है। ये काफ़ी बड़ा है, देख सकते हैं ये लूज़ है, तो काफ़ी बड़ा है ये। तो इसको हम एडजस्ट कैसे करें, इसको एडजस्ट करने का हम आपको दिखाते हैं। देखें सबसे पहले ये जो है, इसमें आप इसको हल्का सा पुश करें, ये इसको खोल दें। ये खुल गया। अब इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, जितना भी बढ़ा सकते हैं, जितना भी घटा सकते हैं, ये एडजस्ट हो जाएगा अपने हिसाब से। उसका फिर इसको उसी साइड से धीरे से पुश कर देना है। ये अब कहीं नहीं जाएगा, ये अब एडजस्ट। तो आप देख सकते हैं ये एडजस्ट हो चुका है। ये बराबर आ गया। और एक चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको, जिसके पास ये डिजिटल वॉच है, डिजिटल वॉच में अगर आप टाइम सेट नहीं कर पा रहे हो, तो टाइम सेट करने का तरीका है, इसको पुश करें, हम दाब के रखें। टाइम जितना होगा, जैसे 7:15 बजे, अभी 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 बज गया, फिर पुश करें, दाब के रखें उसको। ये 7, ये 7:45 हो गया। अब इसको बस ये सेट हो गया। इसको आपको दाब के रखना है यहाँ पे, वो खुद ब खुद सेट हो जाएगा। तो इसी तरह वीडियो देखने के लिए लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको फुल वीडियो में दिखाऊंगा वॉच फिटिंग कैसे होता है। वॉच फिटिंग का फुल वीडियो दिखाऊंगा मैं आपको। तब तक के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन दबाएं।